ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों की टिकट को लेकर सूची जारी की और सीएम शिवराज के खिलाफ कई मुख्यमंत्री के दावेदार चेहरे उतारे, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में शिवराज को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे जहां शिवराज सिंह चौहान का भी अब दर्द झलक आया है। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH44 बामौरा सागर मध्य प्रदेश। सीएम ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा भैया आपको दोबारा नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बता दें कि भाजपा ने अपनी सूची में विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को अपना उम्मीदवार बनाया है। तब से राजनीतिक गलियारों में शिवराज के चेहरे को लेकर मुख्यमंत्री की दावेदारी की दौड़ में अलग माना जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर भाजपा अन्य चेहरा उतारेगी और शिवराज के इस बयान के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है और शिवराज की विदाई को लेकर चुटकियां भी लेने लगी है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने परसों तक देखा कांग्रेस का राज, बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार छोटी चला हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार आप सब मेरे परिवार है, परिवार है। फिलहाल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस या भाजपा किसकी सरकार बनती है यह तो वक्त रहते पता चलेगा, लेकिन भाजपा की सूची के बाद सीएम के चेहरे को लेकर जमकर बवाल जरूर शुरू हो गया है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल जरूर कर सकता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।